हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी प्यारे बच्चों को हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास, जिसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो है ना पढ़ाने वाला हूँ। इस क्लास में आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूँ हरियाणा स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। हरियाणा खेल विभाग जो क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, और जो सवाल आपके जैसे एचटेट में कुछ पूछा गया था, गुरु वशिष्ठ अवार्ड पूछा गया था, या कुछ ऐसे डिटेल क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं ना वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लास है, दिल लगा के सुनना, मन लगा के पढ़ना। दो तीन दिनों से आप कह रहे हैं कि सर स्पोर्ट्स वाला भी करवा दीजिएगा, एक ही क्लास देख लेना, बाकी और कहीं भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट सा डेटा आप लोगों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए सेशन की कर देते हैं हम लोग शुरुआत दोस्तों, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, क्योंकि वक्त तो हमारे पास में है ही नहीं गवाने के लिए। हाँ चलिए, विजिबल आप लोगों को है कि नहीं है पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा। विजिबिलिटी प्रॉपर आनी चाहिए आप लोगों को। सभी राधे राधे भी एक बार बोल दीजिएगा, और अच्छा लगे पढ़ाना तो बीच क्लास में लाइक भी कर देना, ठीक है ना। चलिए सर, राज्य का प्रमुख खेल कौन सा है। अगर हम बात करते हैं तो राज्य का प्रमुख खेल कुश्ती है। सिंपल सा, साधारण सा, छोटा सा सवाल है, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। वन वन लाइन के अंदर आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे जाते हैं, अगली बात करते हैं कि राज्य में प्रसिद्ध खेल कौन सा है। कुश्ती और कबड्डी है। अच्छा, राज्य के प्रमुख ग्रामीण खेल कौन से हैं। तो हरियाणा राज्य के प्रमुख ग्रामीण खेल में एक चूखल आता है, एक जिरणा आता है, एक जंकी आता है। आज की क्लास जो है ना वो थोड़ी सी स्पीड में होगी, यानी कि 2x की स्पीड जो है ना आप लोग कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2, इस प्रकार की स्पीड ही आपको नजर आएगी, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ। इस क्लास को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता कि 4-5 घंटे हो, मतलब आप रिवीजन कर लो मोटा मोटा, एंड टाइम अब आ चुका है, इसलिए आपको अब स्पीड वाली क्लासेस देना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी खेल है, पिट्ठू है, तिल टांचिया है, इसके अलावा फोरा कूदना है, गिल्ली डंडा है, नूनिया घाटी है, और कोकली है। ये सारे हरियाणा राज्य के प्रमुख ग्रामीण खेल है, ये ग्रामीण खेलों से संबंधित खेल है जो जरूर आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हरियाणा राज्य के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जिसका नाम क्या है, भीम अवार्ड। हरियाणा राज्य का अगर पूछा जाए सर्वोच्च खेल अवार्ड कौन सा है, तो यही है। हरियाणा राज्य में खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत जो है ना 2001 से हुई थी। राज्यपाल जी के द्वारा जो है ना ये दिया जाता है, 5 लाख रुपये जो है ना इसमें दिए जाते हैं आपके, ठीक है। एक बार जिसको ये अवार्ड मिल जाए उसको उसके बाद में 5,000 रुपये मासिक जो है ना ये पेंशन भी देने लग जाते हैं, ये याद रख लेना। और हर एक साल अधिकतम भीम अवार्ड दिए जा सकते हैं कितने, 11 दिए जा सकते हैं। 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया गया, 52। आपका माथा खराब होगा, सर एक साल में 11 है तो 2022 में 52 कैसे हो गए, क्योंकि वो पिछले सालों के इकट्ठे किए हुए थे, एक साथ जरूरी नहीं है, मतलब घोषणा की जाती है, हो सकता है 4-5 साल बाद ही घोषणा कर दी जाए। ऐसे 2022 के अंदर जो घोषणा की गई थी ना वो है आप लोगों की, टोटल 52 दिए गए। आपके लिए बहुत प्यारा सवाल है ये वाला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भीम अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, राज्यपाल जी के द्वारा दिया जाता है, इसके अंदर टोटल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक बार जिसको मिल जाए उसको 5,000 रुपये मंथली दिए जाते हैं आपके, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके अलावा आप लोग ये लेटेस्ट वाली अगर बात करोगे तो टोटल 52 मिले थे ये, और एक साल में मैक्सिमम दिए जा सकते हैं कितने, 11 दिए जा सकते हैं मैक्सिमम एक साल के अंदर, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में आता है भीम अवार्ड की सिफारिश जो है ना वो किसके द्वारा की जाती है, तो खेल विभाग के जो प्रधान सचिव है, विभागीय अधिकारी, और 2 अर्जुन अवार्डियों की समिति के द्वारा। उस समिति है, कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर 2 अर्जुन अवार्ड वाले रहते हैं, खेल विभाग के सचिव होते हैं, और कुछ और विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग होते हैं, वही मिल के जो है ना वो डिसाइड करते हैं, ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो, इसके बाद में क्या है कि 2001 से 2022 तक मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी ये रहेगा कि आप कोई प्रकार का कमेंट ना करें, ठीक है ना।
कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कमेंट सेक्शन को जो है ना वो ऑफ कर लीजिएगा, कोई मतलब ही नहीं है कमेंट का, ठीक है ना, क्योंकि ना तो मेरा कमेंट में ध्यान है और ना ही आपका कोई ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा एमसीक्यू वाला सवाल तो आज चलना नहीं है कि मैं आपसे पूछूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। हालांकि ये बात मेरे लिए नेगेटिव रहती है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ये नहीं कहता कमेंट ना करो, कमेंट वो कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा करो, इससे क्या होता है वीडियो रैंक करता है। मैं टेक्निकल नॉलेज दूँ आपको, तो कमेंट से वीडियो रिटेंशंस आते हैं और वीडियो अपने आप लोगों के पास शेयर होने लग जाते हैं, हर किसी को व्यूज़ दिखाने लग जाते हैं। पर यहाँ मैं मेरा फ़ायदा ना देकर मैं कह रहा हूँ आप लोगों का बेनिफिट है कि आप फोकस करो अपने स्टडी के ऊपर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बाद की बातें हैं, कारोबार बाद में भी हो जाएंगे, पहले तुम्हारा जीवन बना लो तुम तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 2001 से जुलाई 2022 तक राज्य के कुल कितने खिलाड़ी जो है ना इनको अब तक के लिए अवार्ड दिया जा चुका है, ये हमारे पास में यहाँ पे आंकड़ा है, भीम अवार्ड जो है ना वो दिया जा चुका है। तो टोटल खिलाड़ी 141 है जिनको ये अवार्ड जो है ना वो दिया जा चुका है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में हरियाणा राज्य की पहली भीम अवार्डी महिला कौन सी है, इनका नाम है गीता जुत्ती। बहुत बार एग्जाम में सवाल इनका पूछा गया है गीता का, 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ से। मैं थोड़े दिन पहले भी आपको PYQ करवा रहा था, अब फिर से करवाने वाला हूँ कल परसों तरसों आपको, मतलब जब आपका एग्जाम अब आ ही रहा है 27-28 दो दिन हम थोड़े मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना करने वाले हैं, लंबी लंबी क्लासों में MCQ सॉल्व करेंगे। 2014-15 के भीम अवार्ड जो है ना महिला कौन थी, निर्मला देवी, जो कि पैरा एथलीट से है। 17-18 के भीम अवार्डी में जो दृष्टिबाधित मूक बागीर और विशेष खिलाड़ी श्रेणी जो है ना वो कौन से, एक तो वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है, डेफ रेसलिंग व्यक्तिगत श्रेणी में पहलवान झज्जर से हैं ये, एक ईशा खासा है जो रोहतक से, टेबल टेनिस स्पेशल ओलंपिक है। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब चीजें जो है ना पूछी जाती हैं आप लोगों की, A to Z इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 18-19 के भीम अवार्डी खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं तो एक तो ललिता है हिसार से, गेम है कुश्ती और इनको भी व्यक्तिगत रूप से ही मिला हुआ है, मनोज कुमार जी कैथल से बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, सोमवीर जी रोहतक से कुश्ती के खिलाड़ी हैं, पूनम रानी हिसार से हॉकी खिलाड़ी है, साक्षी कुमारी सोनीपत से जो कि कबड्डी की खिलाड़ी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना रिम्पी जींद से हैंडबॉल की है, अमित सोनीपत जो कि एथलीट्स है। न जाने कौन सा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि रिम्पी जिनको भीम अवार्ड दिया गया है बताइएगा कौन से खेल से संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, साक्षी कुमारी, साक्षी मलिक नहीं है, साक्षी कुमारी है, पूनम रानी बता दो, अमित बता दो, जैसे CET के पेपर में सीमा अंतिल पुनिया पूछ लिया था। तो आप लोग इन पर थोड़ा फोकस करना, एक भी चीज़ को मिस ना करना, याद एक बार में होगी नहीं पर कोई बात नहीं, आंखों के आगे से तो निकाल लो, आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, समझ में आने के बाद में MCQ सोल्व कर दोगे, इतना काफी रहेगा, ठीक है। चलिए सर, ये टोटल 10 पेज है, मैंने एक पेज अब तक आपको करवा दिया है, दूसरा पेज आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो आज के लिए आपको पढ़ाना है या इस एक क्लास के अंदर पढ़ाना है। तो अगली बात पे आता हूं मैं यहां पे, तो क्या रहेगा कि रीना रानी करनाल से है, एथलीट्स है, सूबे सिंह फरीदाबाद से एथलीट्स है, दीपक अंबाला ये भी आपके अंबाला से है, शूटिंग गेम से है। अच्छा जी, इसके बाद में हमारे पास में 19 और 20 के भीम अवार्डियों खिलाड़ियों की सूची क्या है। 19-20 में सुपर इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा जो कि एथलीट्स हैं, और इसके अलावा अनीस कुमार भनवाला थे करनाल से शूटिंग के अंदर, मंजीत सिंह जींद से एथलीट्स है, विनोद कुमार जींद कुश्ती से है, रविंदर जी जो कि ड्रैगन बोट से हैं, इसके अलावा प्रदीप जी जो कि सोनीपत से हैं जो कि कबड्डी से हैं, और सविता पूनिया सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दो चार नाम तो आपके कानों में पड़े हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा ईजी लग जाते हैं कि हाँ यार ये तो सुना हुआ है, जैसे सुनीता पूनिया है ये सिरसा से है, जोधका गाँव से हैं और इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है, इस करके नाम थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है, आगे आ जाता है याद में। एकता भयाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो चार पेपरों में इनके सवाल ऑलरेडी पूछ लिया है हरियाणा ने, कहां से है कहां से है, हर बार यही क्वेश्चन आता है या कभी आता है तो एथलीट्स का मिलता है, क्योंकि ये पैरा खिलाड़ी है, ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। राधे राधे डियर। उसके बाद में राहुल की बात करते हो आप लोग, राहुल एथलीट्स है और स्पेशल ओलंपिक से रिलेटेड ये भी हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में 2020-21 के भीम अवार्डी खिलाड़ियों की लिस्ट क्या है, 2021 के भीम अवार्डी खिलाड़ियों की लिस्ट में अमित जी आते हैं जो कि रोहतक से हैं बॉक्सिंग गेम के, पिंकी रोहतक की जो कि कुश्ती से, बजरंग पूनिया सुपर इंपॉर्टेंट है, भूलना ही नहीं है आपको, बजरंग पूनिया हरियाणा के कौन से गाँव से हैं, ये हरियाणा के झज्जर के खुंडन गाँव के हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फिलहाल ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? आपको पता है ना, बजरंग पूनिया है, इसके अलावा विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, ये जंतर मंतर धरने के ऊपर बैठे हैं फिलहाल के लिए। कुश्ती फेडरेशन से संबंधित इनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो है, जिनका नाम सत्यपाल मलिक है, वो भी इनके साथ धरने पे जाके बैठे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दिव्या सतीजा जो कि फरीदाबाद की तैराकी से है, सोनिया चरखीदादरी मुक्केबाजी से है, मनु भाकर ये भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है निशानेबाजी से, कम उम्र में इनके पास में बहुत सारे जो है ना वो ऑलरेडी रिकॉर्ड बने हुए हैं। रितु चरखीदादरी से ड्रैगन बोट, मोनिका सोनीपत हॉकी और सोनाली कुरुक्षेत्र ताइक्वांडो, इसके अलावा ये पैरा खिलाड़ी है ये भी याद कर लेना। और नवजीत कौर हॉकी से, नवजीत कौर को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इनको भी थोड़े समय पहले ही उप कप्तान बनाया गया था हॉकी टीम का, कुछ एक इवेंट्स के लिए स्पेशली जो ना इनको निर्धारित किया गया था। धर्मवीर जी जो कि सोनीपत से एथलीट्स पैरा है, इनको भी भीम अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के अंदर खिलाड़ियों ने कौन कौन से खिलाड़ी थे जो जीते थे। ओलंपिक वाला सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि वो तो 4 साल के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि एक बार है। तो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ ये दोनों ही जरूरी होते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ वाला एक दिन मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, याद करो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे भी शेयर करूंगा मैं, पर ओलंपिक ज़्यादा जरूरी है। 2020 का ओलंपिक हुआ 21 में था कोविड की वजह से, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि अगला होगा 2024 के अंदर, कहाँ पे, पेरिस के अंदर। अच्छा सर, इस बार वाला ओलंपिक हुआ था 32वां ओलंपिक, 32nd ओलंपिक था, अगला जो ओलंपिक होगा वो 33 ओलंपिक होगा, 33वां ओलंपिक 2024 में होगा पेरिस में, 34वां ओलंपिक होने वाला है कहाँ पे, लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 35वां ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का जो होगा। तो ये तो बात आपके लिए है ही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में अगली बात क्या है, अगली बात यह है सर कि रवि कुमार जी की, वैसे मैंने बहुत बार पढ़ा है पर मैं चाहता हूं आपका एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है, खुद पढ़ने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन और हड़बड़ाहट नजर आती है कि यार ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया क्या करूं क्या ना करूं, तो आप सही जगह पे हैं। मैं आपका एक पल भी जाया नहीं करूंगा बर्बाद, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी आपको बीच बीच में कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़े निराश ना हो, हताश ना हो, आप कर सकते हैं भैया, आप पेपर भी पास कर सकते हैं अगर आपने सच्ची मेहनत की है लगन लगा के। तो आपको मैं कोशिश करवा रहा हूं कि ये जितना भी आपको वक्त 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा पढ़ेंगे ना तो आपको ये कामयाबी ही देगा। मतलब क्या सिलेबस देंगे हम लोग, अगर खेल से संबंधित कोई पर्सन आता है तो यहां पे कवर हो जाएंगे वो आप लोगों के, ठीक है ना। तो यही प्रयास किया गया है ताकि आप लोगों के आगे ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूं। आने वाली जो वीडियो होगी आपकी वो भी कुछ इसी ही टारगेट ओरिएंटेशन होगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करवाऊंगा आपको। एक रोड सेफ्टी और वाली वीडियो ना वो भी लेने वाला हूं मैं, जिसमें मेन एक ही क्लास में पूरा सम अप कर दूं मैं, ठीक है ना। उस वीडियो को भी प्लीज जो है ना आप लोग मिस मत करना, जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी वीडियो का जो भी मेरी क्लासेस रहती है टेलीग्राम स्टार आईक्यू पे शेयर कर देता हूं मैं। रवि कुमार जी को जरूर याद रखना, ये हरियाणा के सोनीपत के नाहरी के हैं, कुश्ती गेम से संबंधित है, इनको मिला था सिल्वर मेडल, सुपर इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना। इनकी वेट कैटेगरी जरूर पूछी जा सकती है, 57 किलोग्राम भार वर्ग में ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है हरियाणा के एक पेपर के अंदर, फिर से दोबारा पूछा जा सकता है, तो करके जरूर जरूर जो है ना इसको आप लोग याद कर लेना डियर, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद में दूसरा आप लोगों को क्या याद करना है, दूसरा आप लोगों को याद रखना है सरकार जी, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र कुमार जी। दो खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र कुमार जो है ना ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्राणा गांव के हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना आपके सुमित, ये सोनीपत के कुराड़ गांव के हैं, ठीक है ना। दोनों हॉकी टीम का हिस्सा थे, हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। सुमित आंतिल पैरा खिलाड़ी थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सुमित आंतिल जो है ना पैरा एथलीट्स में गोल्ड मेडल जीता, ना केवल गोल्ड मेडल जीता, इसके अलावा इन्होंने 68.55 मीटर का बाला फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात को ध्यान देना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका था सर जी, नीरज चोपड़ा जी ने फेंका था 87.58, वो सामान्य कैटेगरी में फेंका था, लेकिन सुमित आंतिल को याद कर लेना, इनका पैरा खिलाड़ी थे 68.55 मीटर, दोनों ने ही गोल्ड जीता है, ये याद रखना। इसके बाद में मनीष नरवाल फरीदाबाद से पैरा शूटर है जी, स्वर्ण पदक विजेता। सिंह राज अधाना फरीदाबाद से पैरा शूटिंग के अंदर इन्होंने दो मेडल जीते थे, एक सिल्वर जीता एक कांस्य जीता।
अलग अलग जो है ना कैटेगरी के अंदर जो है ना वो जीता है, ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेने हैं डियर, ठीक है ना। ठीक है ना सर, लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूबर बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये तो बात बेटा आप खुद ही जज करना, ठीक है ना। ये तो अब मैं क्या ही कहूँ, आप ना इस बात को जज करना कि स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे 3000-4000 के आसपास वीडियो चली गई होगी, सारी वीडियो को एक बार देख लेना मेरी, और उसके बाद में ये जज लगा लेना फैसला कि कितने की वीडियो में ओवरऑल कितना टाइम बर्बाद सर ने किया, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और क्या पढ़ाया हुआ कभी कोई पेपरों में पूछा गया कि नहीं पूछा गया, क्या क्वेश्चन था क्या नहीं था, ये बात आप खुद ही अंदाज़ा लगाना, ठीक है ना। मैं तो क्या ही कहूँ, अपनी बात तो क्या ही बताना जरूरी ठीक नहीं है। खैर, सिंगराज अधाना जी फरीदाबाद, पैरा शूटिंग रजत और कांस्य पदक, योगेश कथुरिया झज्जर पैरा एथलीट्स रजत पदक, हरविंदर सिंह कैथल पैरा तीरंदाजी और कांस्य पदक, हरियाणा के अंदर ये 8 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भूल मत जाना तुम लोग, ये बात अच्छे से याद कर देना डियर तुम लोग, ठीक है ना। क्या बात करते हैं हम लोग, टोटल हमारे पास में 8 खिलाड़ी, आई विल रिपीट अगेन, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको जो है ना आप लोग याद कर लेना डियर, ठीक है ना। क्या नाम है, एक नाम तो सर ने यहाँ पे आपको बताया था, रवि दहिया का नाम, ठीक है ना। इसमें बजरंग पूनिया शायद आई थिंक मिसिंग हो गया, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, ये बजरंग पूनिया भी तो है ना, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खुंडन हरियाणा के, ठीक है ना, और कांस्य पदक विजेता रहे, ठीक है ना, एक नंबर खिलाड़ी। दूसरे खिलाड़ी, एक नंबर खिलाड़ी मान लेते हैं, दूसरे खिलाड़ी इस ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, पैरा की बात नहीं कर रहा, ओलंपिक के अंदर ही जो है ना वो है जी नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, नीरज, इनके पास में रहा गोल्ड मेडल, कब रहा, 7 अगस्त 2021 को जैवलिन थ्रो डे भी मनाएंगे, कहाँ के हैं, खंडरा के हैं, पानीपत के। तीसरे तो आपके रवि दहिया है ही, सोनीपत नहारी के, किलोग्राम कितना बताया था मैंने, 57 बताया था, ये दोनों ही बात आप लोगों को जो है ना यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। मेरा एचटेट में 10 मार्क्स आए थे सर आपकी वीडियो से, शुक्रिया डियर। चलिए चलिए अगली बात पे बात करते हैं हम लोग। अगली बात हमारे पास समझने वाली क्या है, इनके एक सबके नाम याद करना। अच्छा ना, एक बात मुझे थोड़ी अलग याद आ रही है आपके लिए बताने के लिए, और वो बात ये याद आ रही है मुझे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी वेट कैटेगरी बदल दी गई थी, और एक खिलाड़ी थे जिनको मेडल दे के वापिस ले लिया गया, जो जिनकी वेट कैटेगरी बदली गई थी उनका नाम था टेकचंद, टेकचंद। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी पे झंडा लेके चले थे, ठीक है ना। तो ये हरियाणा के रेवाड़ी के हैं, ठीक है ना, हरियाणा के रेवाड़ी के हैं, और ये भाला फेंक थे, भाला फेंक गेम से थे, इनको एंड टाइम पे गेम चेंज करके इनको ना वो शॉर्ट पुट किया था, शॉर्ट पुट वो गोला फेंक कर दिया गया था, ठीक है ना। एक खिलाड़ी और थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिनसे एक डिस्कस थ्रो में, हरियाणा के रोहतक के हैं, बताना अगर किसी को याद आ रहा तो बताना यार, रोहतक के थे वो, और डिस्कस थ्रो, ठीक है ना, जीभ के नीचे पड़ा ऐसे निकल नहीं रहा, डिस्कस थ्रो में इन्होंने जीता था कांस्य पदक, विनोद था शायद नाम, शायद विनोद कुमार था, बाकी एक बार यार देखना आप लोग, कांस्य पदक इन्होंने जीता था, और कोई भी प्रकार के बेसिकली क्या कहते हैं पैरा कैटेगरी को ना मानते हुए एक बार इन्होंने जीत लिया कांस्य पदक, लेकिन वापस इनसे मेडल ले लिया गया था, ठीक है ना। ये हरियाणा के रोहतक से थे, विनोद था क्या नाम, एक बार मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, रोहतक से थे ये कन्फर्म, डिस्कस थ्रो गेम था, कांस्य पदक इनको मिला था, ठीक है ना। तो विनोद कुमार ही था, ठीक है ना, बहुत लंबे टाइम पहले पढ़ा था तो करके हो सकता माइंड से स्किप भी हो जाए, बाकी विनोद कुमार थे, और इन्होंने रोहतक डिस्कस थ्रो कांस्य पदक, ये जरूर याद कर लेना जी आप लोग, ये थोड़ा एक अच्छा सवाल बन सकता है आप लोगों से, ठीक है ना, इनको जरूर याद कर लेना जी। चलो सर अगली बात पे जाते हैं हम लोग। इसके बाद में हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवॉर्डी, हरियाणा के पहले जो अर्जुन अवॉर्डी थे उनका नाम था भीम सिंह, 6.9 इंच की जो ऊंची कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर इन्होंने जो है जीता था आपका, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद करना है।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला पुरुष खिलाड़ी कौन था? विजेंद्र सिंह था, साल 2009 के अंदर। ठीक है ना, थोड़े से कॉन्शियस हो जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी चीजें ये। ठीक है ना, और थोड़ी सी मेरी लेक्चर की स्पीड आज 2x जैसी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, उतना धीरे धीरे नहीं सुना रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड में चल रहा हूँ। किन्हीं भी खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी कौन थे? वो थे आपके लीला राम जी, जो कि कुश्ती में जीता था। 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान मास्टर चंदगी राम, सुपर इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी ही बार पेपरों में पूछा गया है। प्रथम भारत केसरी हरियाणवी महिला सोनिका काली रावण थी। इसके अलावा हरियाणा हरिकेन, थोड़े दिन पहले ही सीटी एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान कपिल देव। वैसे तो आप सबको आता ही है ये सवाल, लेकिन फिर भी आपको याद होगा ही। राज्य की नई खेल नीति कब लागू हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट, 12 जनवरी 2015 को। ठीक है, नई खेल नीति में सम्मिलित खेल कौन सा जोड़ा था? डेफ ओलंपिक्स, यानी कि मूक बगीर खेल जोड़े थे। ठीक है, पुरानी खेल नीति कब आई थी? 21 अगस्त 2009 को। नई वाली ये है, पुरानी वाली ये है आपकी, ये दोनों ही याद रखना। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य में स्थापित जो आपकी गोल्डन जुबली खेल नर्सरियों की संख्या कितनी है? 440। शतरंज एसोसिएशन का गठन हरियाणा में कब हुआ? 1983 भिवानी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है ना, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री का प्रिय खेल शतरंज था, बताना। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, ये ना एडमिट कार्ड की रट मत लगाओ, आएंगे तब तुम्हारे आगे आ जाएंगे। अभी किसी का नहीं आया तो किसी का ही नहीं आया, आएगा तब तुम्हारा सबका ही आ जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा शांत होके पढ़ लो, एडमिट कार्ड आएगा पेपर में, फिर मुंह करोगे टमाटर जैसा, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, है? पढ़ लो बेटा। तो बताइएगा आप लोग क्या है कि कौन से मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने शतरंज, उनका लोकप्रिय खेल था शतरंज, लोकप्रिय खेल था हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जी का। ठीक है ना, तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, तो जिनका नाम था भगवत दयाल जी। ठीक है ना, भगवत दयाल जी शर्मा, इनका शतरंज लोकप्रिय खेल था। ये ओडिशा, ठीक है ना, ओडिशा और एमपी के राज्यपाल भी रहे थे, हरियाणा राज्य के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है ना, इसके अलावा और बात याद रखनी है आप लोगों को क्या, कि यही वो मुख्यमंत्री थे आपके हरियाणा के अंदर जिनका कोई, जिनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, ये मनोनीत किए गए थे, एक पहले नंबर ही थे ये हरियाणा के बेरी झज्जर से थे। ठीक है ना, हरियाणा के बेरी झज्जर से थे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रैंड मास्टर चुना गया, हिमांशु शर्मा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले, अच्छा वर्तमान में जो शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका नाम मुकेश खन्ना है। 1983 भिवानी में जो ना इसकी स्थापना हुई थी आपकी, यहाँ पे याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, इसके बाद में क्या है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी, इसका इनका नाम है खुशी राम। आज की क्लास पढ़ाने से ज़्यादा आप लोगों के साथ में रिवीजन करवाने वाली क्लास है, क्योंकि मैं खेल बहुत बार पढ़ा चुका हूं सभी, तो आज की क्लास मैं इसलिए इतने डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। जैसे होता है ना कि खुद किताब लेके पढ़ रहे होते हैं, हाँ ठीक है ये हो गया, ठीक है ऐसा, इस टाइप से, ताकि आपका पेपर पास है तो फटाफट रिवीजन आपकी हो जाए, मोटी मोटी चीज़ों का मेन। ठीक है ना, उसी वे से आप लोग आज पढ़ना। ठीक है, मैं थोड़ा मेंशन कर रहा हूं इस चीज़ों के लिए। राज्य का प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल गांव जेतपुर झज्जर से। निर्मल गुलिया, पूछा गया है बहुत बार सवाल, निर्मल गुलिया राज्य के किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी जानी जाती है? जिमनास्टिक के लिए जानी जाती है आपकी ये खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है निर्मल गुलिया। ठीक बात है, चलिए सर इनके बाद में कोशिश करो ध्यान से पढ़ो, तो हो सकता है मैं इसको दोबारा भी रिवाइज करा, दो बार पढ़वा दूं इनको मैं। ठीक है ना, क्या कुश्ती में अर्जुन अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय व हरियाणवी पहलवान उदयचंद फतेहवाज से थे। जन्म हुआ था इनका 25 जून 1935 को। 1961 में जापान के योकोहामा में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। ठीक है सर जी, इसके बाद में अगली बात, हरियाणा राज्य की संशोधित खेल नीति। ठीक है ना, हरियाणा राज्य की संशोधित खेल नीति, दिया गया नाम है हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021। उम्र कितनी, 42 वर्ष से पहले या 50 वर्ष पहले, 42 थी या पहले, सॉरी अब 42 वर्ष पहले 50 साल थी। जोड़े गए नए खेल कौन से हैं? दक्षिणी एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल और रणजी ट्रॉफी जो है ना इसके अंदर जोड़ दी गई है संशोधित खेल नीति के अंदर।
इसके बाद में क्या कि ओलंपिक की तैयारी के लिए क्वालिफाई खिलाड़ी को नई खेल नीति के तहत 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए एडवांस में मिलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ना 2020 को घोषणा हुई थी, 21 में इसको लागू कर दिया गया था, 1 नवंबर 2020 को घोषणा हुई थी ये वाली बात की, ठीक है। तो काफ़ी प्यारी सी बात मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है ना, कि पहले हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 जो है ना इसका नया नाम दिया गया है। इसी नाम के तहत जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट काम है कि ओलंपिक के अंदर जो क्वालिफाई हो जाएगा उसको 15 लाख रुपए, जस्ट क्वालिफिकेशन के लिए 15 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे उसको पहले और 10 लाख उसको मिलेंगे वहां से, जीत के अगर कुछ नहीं आता है तो आके मिल जाएंगे, अदरवाइज तो ओलंपिक में गोल्ड लेके आता है। तो हरियाणा राज्य भारत में सबसे ज़्यादा पैसे देता है, गोल्ड के लिए 6 करोड़ देता है, सिल्वर के लिए 4 करोड़ देता है, ब्रॉन्ज के लिए देता है 2.5 करोड़, कुछ चौथी पोजिशन के लिए देता है 50 लाख देता है, कुछ ना लेने वाले को भी 15 लाख देता है हरियाणा राज्य, ठीक है ना। तो ये याद रखना, खेलों में दिए जाने वाले अवार्ड, यहां से एक क्वेश्चन आपका बना था आई थिंक एचटेट के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ जाओ कि कंटेंट आपको लग रहा है कि ठीक है आप सही पढ़ रहे हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड स्कूलों के पीटीआई और डीपी को देने वाला अवार्ड है और 2 लाख रुपए अवार्ड। अब आपका पेपर पता क्या सवाल पूछेगा, पेपर आपसे सवाल ये पूछेगा क्या कि स्कूलों के पीटीआई और डीपी को दिए जाने वाला अवार्ड जो है ना वो बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या रहेगा, आपका जवाब रहेगा डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि कनिष्ठ खिलाड़ियों को देने जाने वाला अवार्ड कौन सा है, एकलव्य अवार्ड। ये सेम सवाल आपके पेपर में था, कोचों को देने वाला अवार्ड कौन सा है, वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे इसके अंदर, बहुत सारे गलत जवाब आए थे। 2 लाख रुपए जिसमें दिए जाते हैं, गुरु वशिष्ठ अवार्ड कोचों को दिया जाता है हरियाणा के अंदर। अच्छा, रेफरी एम्पायर और जजों को दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है, विक्रमादित्य अवार्ड है, भूल मत जाना इसको भी आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड। इसके बाद में क्या है कि जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुष खिलाड़ियों को भी एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है जी। जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ियों को अवार्ड कौन सा दिया जाता है जी, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है। ये 4-5 अवार्ड जो है ना बहुत ही अच्छा सा है, आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, ठीक है ना। ये सारे खिलाड़ी पहले ही अवार्ड 1 लाख होंगे शायद, क्या पता, अब खिलाड़ियों के सबके अवार्ड, ये जो लेटेस्ट प्राइज मनी है ना वो सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसका, कहीं से भी तुमने पढ़ा होगा लेकिन तुम यो सोच लेना कि ये डेटा सही लिखा हो, कुछ गड़बड़ नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। पुरानी किताब एकदम अपडेटेड जो अभी फिलहाल के लिए मिल रहा है वो है 2022 तक का लेटेस्ट अपडेट है, 23 का मतलब अभी 2-3 महीने आए तो कभी कोई अपडेट आया ही नहीं है इसका आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट नहीं होता कई बार, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल साइट पे अभी तक अपडेट नहीं हुई है, पुरानी पड़ी है, लेकिन सही है। बाकी भाई मैं बहस नहीं करना चाहता, आपकी सलाह है देख लेना, ठीक है ना, यहाँ मुद्दा नहीं बनाना, टाइम नहीं खराब करना। डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड है, स्कूलों के पीटीआई और डीपी को दिया जाने वाला अवार्ड है, 2 लाख रुपये मिलते हैं, प्रमाणित है, कोई झूठ नहीं है। एकलव्य अवार्ड के लिए कनिष्ठ खिलाड़ियों को 2 लाख मिलते हैं, वशिष्ठ अवार्ड के लिए 2 लाख मिलते हैं, कन्फर्म 2 लाख मिलते हैं। विक्रमादित्य अवार्ड रेफरी एम्पायर जजों को दिया जाता है, महाराणा प्रताप जीवन भर खेलों के लिए, और इन खिलाड़ियों के पुरुषों को रानी बाई के लिए भी मिलता है, महिलाओं को 2 लाख, ठीक है ना। तो इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो सर जी, एकदम प्रमाणित है बेटा, किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोशिश यही की जाती है कि आपको एकदम फिल्टर करके ही चीज़ें दी जाए, क्योंकि जो एकदम अपडेटेड है, जो घोषणा की जाती है, जैसे साहित्य अकादमी का है, उन पे पहले लिख रखा है 5, कईयों पे 2 लाख लिख रखा है, लेकिन मिलते तो कईयों पे 7 लाख भी अवार्ड है, तो अपडेट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन कर तो दी गई ना घोषणा तो सीएम के द्वारा। तो चलो सर जी, इसके बाद में राज्य के प्रमुख खेल स्टेडियम पे आते हैं अब हम लोग। सीधा सवाल यहां से भी बनेगा हमारा कि खेल स्टेडियम कौन कौन से हैं, एक बार वीडियो को लाइक तो कर दो। एकलव्य स्टेडियम जो है ना वो जींद के अंदर पड़ता है, अर्जुन स्टेडियम कहाँ पे है जी, जींद में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे है जी, ये पलवल के अंदर पड़ता है डियर, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको याद रखना है, एकलव्य जींद, अर्जुन अवार्ड जींद, और अर्जुन स्टेडियम सॉरी जींद, और सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जो है ना ये भी आपका ये पलवल के अंदर पड़ता है डियर, ठीक है। इसके बाद में कुछ और स्टेडियम आपके पास में है, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है सर, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम फरीदाबाद शाहपुर कला में। एक शाहपुर आप लोग अलग याद कर सकते हो, लेकिन ये फरीदाबाद का है, इसमें प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम, न जाने पेपरों में ही कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ट स्टेडियम, बिल्ट बिल्ट करके कई बार नाम आया, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है बिल्ट।
नाहर सिंह स्टेडियम तो फरीदाबाद में है, लेकिन नाहर वन्य जीव अभ्यारण जो है ना वो रेवाड़ी में है। कुछ चमत्कारी लोग इसको बहुत गलत करके आते हैं, जरूर गलत करके आते हैं, और ये आई थिंक पेपर में सीईटी के पेपर में आया भी था सवाल। नाहर वन्य जीव अभ्यारण तो रेवाड़ी का है, लेकिन नाहर सिंह स्टेडियम जो है ना उसको भी आप लोगों को यहां से याद करना है, वो कहां पे, फरीदाबाद में। वेलोड्रोम, वेलोड्रोम का मतलब था साइकिलिंग ट्रैक, तो ये स्टेडियम कुरुक्षेत्रा में है। एक हरियाणा की लड़की है, जिस लड़की का नाम है सर वर्षा यादव, ठीक है ना, वर्षा यादव, इसने खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर ना गोल्ड जीता था, ठीक है ना, गोल्ड इसी वेलोड्रोम में दिल्ली के अंदर हुआ था वो इनका इवेंट। द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्रा में है। मार्कंडेश्वर स्टेडियम शाहबाद कुरुक्षेत्रा में। शाहबाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, इसको जरूर आप लोगों को यहां से याद करना है। शाहबाद का क्या याद करोगे, ये एक रिजर्व सीट है। कुरुक्षेत्र जिला वो है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है ना, ये भी बात आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में बलिदान स्टेडियम, बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी के अंदर। भावचेली रामदास स्टेडियम महेंद्रगढ़ में। जहां आरा बाग स्टेडियम झज्जर में, और महावीर स्टेडियम हिसार में। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में। शाह सतनाम, नाम से ही पता लग रहा है जी, सिरसा के अंदर पड़ता है ये वाला। भीम स्टेडियम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, भिवानी, करण तो करनाल याद रह जाएगा। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली रोहतक इंपॉर्टेंट है। नेहरू हॉकी स्टेडियम गुरुग्राम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में है, और एक ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में है। माथा खराब आपका यहां होगा, यहां पे बहुत गड़बड़ होगी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में भी कहोगे और ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में, इतना सा ही फर्क है, बहुत थोड़ा फर्क है, केवल क्रिकेट वर्ड का ही कंफ्यूजन है। क्रिकेट पंचकुला वाले खेलते हैं, इतना याद कर लेना। क्रिकेट कौन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं पंचकुला वाले खेलते हैं, तो ऐसे करके याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। खरगा गोल्फ कोर्स अंबाला के अंदर है, और एक डीएलएफ गोल्फ कोर्स जो है ना ये गुरुग्राम में है। इसके अलावा जो है ना अरावली गोल्फ कोर्स कहां पे, ये फरीदाबाद में है। क्या बात है, दिमाग खराब यहीं पे ही होता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। खरगा गोल्फ कोर्स अंबाला में है, डीएलएफ गोल्फ कोर्स गुरुग्राम में है, अरावली फरीदाबाद में है। इन तीनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट अरावली वाला है, जो पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है ना। तीनों ही आप लोगों को यहां से याद करना है। ये राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक का है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। शिवाजी स्टेडियम पानीपत का है। भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया एचएयू हिसार के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और यहां पे रिसेंटली 25वां दीक्षांत समारोह अभी हुआ था मंडे को, 24 तारीख पढ़ रही थी ना शायद, हाँ 24 तारीख को ही आई थी, राष्ट्रपति जी आई थी द्रौपदी मुर्मू। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल छात्रावास स्थापित किया गया कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर किया गया स्थापित। और भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लेने, ये तो खैर आपको पता है ओलंपिक, अभी मैंने बताया ना 15 लाख रुपए मिलते हैं। ये पेज भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, टोटल 10 पेज आपको पढ़ाने हैं मैंने, जिसमें से आज मैंने आपको 3 पेज जो है ना वो पढ़ा चुका हूँ, याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल एचसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट ही होंगे, ठीक है ना। तो इस पेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर कहना चाहूंगा, रिवाइज करवाना चाहूंगा, ये है आपका कि राधा कृष्ण अवार्ड जो है ना वो किन को मिलता है, स्कूलों के पीटीआई और डीपी को मिलता है, जिसके लिए 2 लाख रुपए है। अच्छा, कनिष्ठ खिलाड़ियों को मिलता है एकलव्य अवार्ड, कोचों को मिलता है वशिष्ठ अवार्ड, रेफरी एम्पायर और जजों को कौन सा मिल रहा था, विक्रमादित्य। जीवन भर खेलों में जिस पुरुषों ने योगदान दिया तो महाराणा प्रताप है, महिलाओं ने दिया तो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना आप लोग, फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इस करके अच्छे से जो है ना याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्ड स्टेडियम यमुनानगर में है, अच्छा मेरे से बाय मिस्टेक फरीदाबाद बताया गया क्या, ठीक है ठीक कर लेना, फरीदाबाद बताया गया, यमुनानगर कर लेना भैया, ठीक है ना। चलो सर, इसके बाद में क्या कहना था हमें, खेल स्टेडियम तो ये थे आपके, हाँ ओलंपिक के अंदर किस किस को कितने पैसे मिल रहे हैं, मतलब ओलंपिक में या कोई भी गेम के अंदर जो है ना कितने पैसे मिल रहे हैं, इसके लिए बात करें तो स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, सिल्वर को मिलते हैं 4 करोड़, कांस्य को मिलते हैं 2.5 करोड़, और चौथे पोजीशन पे आने वाले को मिलते हैं 50 लाख रुपये मिलते हैं, और जो भाग लेने वाला है उसको 15 लाख। एशियाइड में भाग लेने वाले खिलाड़ी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि, ठीक है ना, ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कि एशियाइड गेम में, एशियाई गेमों में गोल्ड को मिलते हैं 3 करोड़, सिल्वर को मिलते हैं 1.5 करोड़, और कांस्य पदक विजेता को मिलते हैं 75, ठीक है ना, 75 लाख रुपए मिलते हैं।
राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, ये अभी हाल ही में होके हटे हैं तो करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ मिलते हैं, और सिल्वर मेडलिस्ट को मिलते हैं 75 लाख, कांस्य पदक विजेता को मिलते हैं 50 लाख। और इनमें भाग लेने वालों को, दोनों ही बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना, दोनों में भाग लेने वालों को 5 लाख रुपये मिलते हैं, 2.5-2.5 लाख पहले मिल जाते हैं, ठीक है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अभी कॉमनवेल्थ गेंद के अंदर टोटल खिलाड़ी हरियाणा से गए थे, पूरे भारत से तो गए थे, पूरी दुनिया से गए थे 5054 खिलाड़ी, हरियाणा भारत से गए थे 215 खिलाड़ी, हरियाणा से गए थे 42 खिलाड़ी, और उन 42 में से 20 पदक जो है ना हम लोग जीत के आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। और आने वाला जो है ना आप लोगों को याद रखना है, आने वाला जो टाइम है जिसके अंदर बात करें 2026 का कॉमनवेल्थ होगा, वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है ना। और वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, वहां पे कौन शामिल नहीं होगा, कौन सा गेम शामिल नहीं किया जा रहा है, तो इस बार कुश्ती गेम को हटा दिया गया है, ये बात जरूर ध्यान देना, जो हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा झटके वाली बात है देखा जाए तो। दीवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, 2003 के अंदर हुई थी। ये पैसा प्राइज मनी भी आप लोगों को जरूर जरूर याद कर लेना है, प्राइज मनी भी पूछ लेते हैं आपसे। अकादमी कौन सी है, अकेडमी पूछी है आपसे, गेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अकादमियां होती है, जैसे कि लॉन टेनिस अकादमी है पंचकुला में, बैडमिंटन अकादमी पंचकुला में, एथलीट्स अकादमी रोहतक, बॉक्सिंग अकादमी रोहतक, बास्केटबॉल की अकादमी रोहतक, निशानेबाजी के लिए फरीदाबाद, शतरंज वेरी इंपॉर्टेंट है भिवानी, फुटबॉल गुरुग्राम। अच्छा, फुटबॉल से रिलेटेड एक मुझे याद आया सवाल कि आपका वॉर हीरोज फुटबॉल स्टेडियम अंबाला में है, जिसको फीफा ने 2024 तक के लिए अप्रूव कर दिया है, फीफा ने 2024 तक के लिए अप्रूव कर दिया उसको। इटली से टर्फ मंगवा के बिछाई है, ब्राजील की तर्ज पे बनाया है, ठीक है ना। भारत का नेशनल गेम कौन सा है, अब कमेंट करके बताना। क्रिकेट अकादमी झज्जर है, कबड्डी अकादमी जींद में, महिला हॉकी अकादमी शाहबाद कुरुक्षेत्र। एक याद रख लेना, प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत में है, जिनको अभी हाल ही में प्रीतम सिवाच को बीबीसी अवार्ड दिया गया था, यह भी याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद में इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी हिसार के अंदर है, द ग्रेट खली रेसलिंग अकादमी ये करनाल जिले के अंदर पड़ती है आपकी। इसके बाद में क्रिकेट माई स्टाइल जो किताब है कुछ आपकी, ये किनके द्वारा लिखी गई है, इनके बारे में हम लोग जो है ना यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। कपिल देव जी हैं इनकी, इस किताब के लेखक है, क्या सभी जानते ही हो आप लोग, ठीक है ना। फीफा तो हाँ ठीक है, ये तो सभी आपने लिखा है, ठीक है ना। हाँ, तो राज्य में प्रथम रणजी मैच जो है ना वो खेला गया था कब, 22 से 24 नवंबर 1982 में, नाहर सिंह स्टेडियम जो अब हम पढ़ रहे थे फरीदाबाद के अंदर है डियर, ठीक है ना। भारत देश का नेशनल गेम हॉकी लिख रहे हैं, और लिखो अभी हम देखते हैं, ठीक है ना सर। थैंक यू, दिल से पढ़ा दो, शुक्रिया सार्थक। इस देश का कोई नेशनल गेम नहीं है, बता दूं मैं, मुझे पता तुम हॉकी कहोगे, भारत देश का कोई नेशनल गेम नहीं है, हॉकी को आप रिलेट करते हो, इस देश का कोई ऑफिशियल गेम नहीं है डियर। सर जी भाई, सरकारी नौकरी है, शादी 8 साल पहले हो चुकी है, सरकारी नौकरी है, शादी 8 साल पहले हो चुकी है, पर लंबरदार और पटवारी साइन नहीं कर रहा है, क्या करें, लंबरदार और पटवारी के साथ गुंडे बुलाएं। ध्यान से पढ़ना कभी किसी साइट पे या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भारत सरकार का जो जारी किया गया है, इस देश का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, हम रिलेट करते हैं हॉकी को, फील्ड हॉकी को जो भी है, ठीक है ना। चलो जी, इसके बाद में अगली बात क्या है सर हमारा, कि राज्य में प्रथम ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट मैच खेला गया था 19 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। इसके बाद में 600 करोड़ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राई, ये बन चुका है, और इसके पहले वीसी कौन बनाए गए हैं, इसके पहले वीसी बनाए गए हैं एस देसवाल, ठीक है ना, एस देसवाल, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। आईटीबीपी से रिटायर्ड हैं ये एस देसवाल, ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को यहां से याद करना है डियर, ठीक है। इसके बाद में अगली
बात करते हैं हम 26 साल की तेज गेंदबाज नवदीप सिंह राज्य के किस स्थान पर है, तो ये मतलब कहाँ की है, ये तरावड़ी करनाल। तरावड़ी के दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1191 का हुआ था और एक 1192 को हुआ था, जिसमें तो जीता कौन था, इसके अंदर जीता था आपका मोहम्मद गोरी जीता था, ठीक है ना। इसके अंदर नहीं माफ करना, पहले में चौहान जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे के अंदर जो है ना गोरी जीता था, ठीक है ना, दूसरे में गोरी जीता था। प्रो कबड्डी का सबसे महंगा खिलाड़ी मोनू गोयल कुंगड़ 1.51 करोड़ भिवानी से। WWE महिला रेसलर कविता दलाल उपनाम हार्ड लेडी, गांव मालवी जींद, इनका गांव का नाम जरूर याद कर लेना, जिला तो याद करोगे ही करोगे आप लोग, ठीक है ना। WWE महिला रेसलर। पुरुष रेसलर का नाम क्या है सर, पुरुष रेसलर का नाम है सतेंद्र डागर, बागड्डू गांव के, सोनीपत के। और क्रिकेटर कौन है सर, युजवेंद्र चहल है जो कि जींद के हैं। हरियाणा का वह खिलाड़ी जो डबल ट्रैप निशानेबाज प्रतियोगिता में दुनिया का पहला खिलाड़ी बना, इनका नाम है अंकुर मित्तल जो कि सोनीपत से। 66वें ऑल इंडिया पुलिस गेम 2018 का आयोजन सोनीपत के अंदर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं इसको भी, बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है क्या हमारा, डिस्कस थ्रोवर कृष्णा पूनिया, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अग्रोहा से, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली के अंदर हुए थे वहां पे गोल्ड विजेता है, प्रथम भारतीय महिला यही बनी थी आपकी। और इसके बाद में डिस्कस थ्रोवर सीमा अंतिल पूनिया, ये क्वेश्चन आया था देख लो पेपर में, CET के पेपर में आया था शायद, या CET में आया था क्या स्टेट में आया था, पता नहीं आया था ये पेपर में क्वेश्चन, ये सेम आया था। अभी कईयों को लग रहा होगा ना कि यार इतनी सारी लाइनें हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, चलो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं भरोसा होता है, भुलेखे में मत रह जाना, कौन सा सवाल कहां से निकल के आएगा, इसलिए एक एक चीज ही इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लेना आपको। एक घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार, सत्यदेव बरेला, गाँव भिवानी, ठीक है ना, यो हरियाणा सह प्रधान, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। किस हरियाणवी ने 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, संदीप आर्या जो कि कहां के, हिसार के हैं। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनीपत के भैंसवाल कला की रहने वाली है, जरूर याद रखना। बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला खिलाड़ी पहला कौन था, इनका नाम था खुशीराम, ये पहले भी आ गया, ठीक है। इसके बाद में पेज नंबर 5वां हमारा क्या कहता है, 5th नंबर पेज हमें ये कहता है डियर टी क्या, कि जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला हरियाणा व भारत का एकमात्र फुटबॉलर पुष्कर बागड़ है जो कि हिसार से। हरियाणा किक बॉक्सिंग का अध्यक्ष आनंद मोहन। नेत्रहीन वर्ल्ड कप में कप्तानी करने वाला दीपक मलिक किस गांव से है, भैंसवाल सोनीपत, ये वही है जो आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पहले ही बताया होगा। इनका PDF जिन्होंने बैच ले रखा है उनके बैच में डाल दिया जाएगा, टेंशन लेना, ठीक है ना, हरियाणा जीके वाले में या योजना वाले में जब जिस बैच में जो भी ले रखा है सब बैचों में जाएगा ये। देश के प्रथम पैरालंपिक भवन की स्थापना किसने जो की गई थी, वो फरीदाबाद के अंदर की गई थी आपकी, ठीक है। इसके बाद में जो है ना अगली बात है, कबड्डी प्लेयर कौन कौन है, कुछ खास कबड्डी प्लेयर है इनके बारे में बात करनी है हमें। कबड्डी प्लेयर में मंजीत छिल्लर है निजामपुर पानीपत से, मोनू गोयत कुंगड़ भिवानी से, प्रदीप नरवाल सोनीपत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनूप कुमार गुरुग्राम, गोरी शोराण मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका नाम याद करना, बहुत सारे बार ये चर्चा में रही है, गागड़वास भिवानी की है, विश्वजीत और शोराण भी साथ में निशानेबाज गागड़वास से, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको याद रखना है डियर। उसके बाद में इनका सवाल मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, कॉमनवेल्थ केंद्रीय भी जीत के आए थे संदीप कुमार जी, पैदल चाल का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था संदीप जी जो है ना, ये भी बात आपको याद कर लेना है जी, कहाँ पे है डियर, ठीक है ना, संदीप जी पैदल चाल का राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी जी की संदीप है, ये कहाँ के हैं, ये नारनौल के हैं। पैदल चाल का अन्य राष्ट्रीय खिलाड़ी चांदराम बहादुर सिंह का संबंध किस खेल से है, गोला फेंक से है। एथलीट्स निर्मला शोराण 400 मीटर भिवानी, प्रसिद्ध तैराक शिवानी कटारिया गुरुग्राम से, 2016 के ओलंपिक में भाग लेने वाले हरियाणा के कुल खिलाड़ी तो थे 20 थे पुरुष, सॉरी टोटल 20 थे पुरुष थे 11 और महिला थी 9, लेकिन पदक आया हरियाणा को केवल एक, ठीक है ना, केवल एक। इस बार तो फिर भी अच्छा रहा, इस बार तो हम लोग तो यूं देखा जाए तो
तीन तो सीधे ले आए, व्यक्तिगत तौर पे ले आए, एक तो नीरज का हो गया, एक बजरंग का हो गया और एक रवि का हो गया। तीन तो व्यक्तिगत रूप से हो गए, दो टीम इवेंट के हो गए, तो टोटल पांच लोग हो गए ना हरियाणा के, एक सुमित और एक सुरेंद्र जो हॉकी टीम के हिस्से थे आपके, ठीक है ना। तो इनको भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। इसके बाद में अगली बात क्या करती है, करनी है हमें, अगली बात हमारे पास में है राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2019 किन हरियाणवी खिलाड़ियों को दिया गया, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया 2019 का। सवाल बन सकता है, अच्छा और प्यारा सवाल है। चाइना में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2019 में गोल्ड मेडल किसने जीता, कविता चहल नीमड़ी गांव भिवानी से, ठीक है ना, चाइना के अंदर आयोजित जीता है, इन्होंने मेडल जीता, इनका नाम भी हमें याद करना होगा। चलो सर जी, इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम भी आप लोगों को यहां से याद करना है कि हर चार साल के बाद होता है, जैसे कि ओलंपिक होता है वैसे हर चार साल के बाद होता है। जैसे 2010 के अंदर हुआ था दिल्ली के अंदर, 14 के अंदर ग्लासगो में हुआ, 18 में गोल्ड कोस्ट में हुआ और इसके बाद में 22 में हुआ है बर्मिंघम के अंदर, ठीक है ना। मेन मेन बात तो आप लोगों को वैसे तो याद ही है, ठीक है। 28 अगस्त से स्टार्ट हुए थे ये गेम, नहीं सॉरी 28 जुलाई से जो है ना ये स्टार्ट हुए थे और ये 8 अगस्त से तक जो है ना गेम चले थे, 2022 तक, 22 के अंदर हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अब जो है ना टोटल अब कितने देश है, 56 देश शामिल हो गए हैं इसके अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर वर्तमान में। 55 नंबर देश जो है ना इस देश का नाम है GABON, गेबोन है, और 56 नंबर देश जो है ना इस देश का नाम है टोगो है। ये दोनों के दोनों देश कहाँ पड़ते हैं, ये दोनों को दोनों देश है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ये कभी भी इसके गुलाम नहीं रहे थे ब्रिटेन के, ये दोनों देश कभी गुलाम रहे हैं तो किसके रहे हैं, ये गुलाम रहे हैं फ्रांस के गुलाम रहे हैं, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर हुआ। ये फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री थे। इससे पहले भी 1991 के अंदर एक देश था जिसका नाम है मोजाम्बिक, था क्या अभी भी है मोजाम्बिक, ये पुर्तगाल का अधीन था कभी ना कभी, ठीक है ना, और ये भी ऐड हो गया 2009 में, रवांडा भी ऐड हुआ था, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद अगर बात करते हैं तो भारत जुड़ा था इसमें 1949 के अंदर एज ए 12th नंबर कंट्री के रूप में। कॉमनवेल्थ गेम अब हुए थे आपके 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, कहाँ पे हुए हैं, ये हुए हैं आपके बर्मिंघम के अंदर हुए हैं, ठीक है ना। बर्मिंघम ये कहाँ पड़ता है सर, ये पड़ता है आपका इंग्लैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। इसमें दुनिया भर से 5054 खिलाड़ी हिस्सा लिया था, टोटल 20 प्रकार के खेल इसमें शामिल थे। भारत की बात करने तो भारत के 215 भारत के इसके अंदर जो है ना टोटल 215 एथलीट शामिल हुए थे और हम 15 प्रकार के खेलों में शामिल हुए थे। हरियाणा राज्य की बात करने तो 42 खिलाड़ी शामिल हुए थे, खेल तो खैर इतने ही रहने हैं। इसका मोटो क्या था इस बार का मेन, तो इस बार का मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है ना, गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है ना, गेम्स फॉर एवरीवन इस बार का मोटो था। इस बार के गेम में अगर बात करते हैं, ओपन जब हुआ था ओपनिंग सेरेमनी पे झंडा लेके दौड़े थे पुरसेला वेंकट सिंधु, पीवी सिंधु, ठीक है ना, पुरसेला वेंकट सिंधु और के साथ में हॉकी टीम के कैप्टन जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मनप्रीत सिंह, ठीक है ना, मनप्रीत सिंह है, इनका याद रखना। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी पे बात करते हो तो क्लोजिंग सेरेमनी पे झंडा लेके दौड़े एक का नाम है शरत कमल, ठीक है ना, शरत कमल, और शरत कमल के साथ में कौन है, शरत कमल के साथ में निखत जरीन, ठीक है ना, निखत जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी तेलंगाना से, निखत जरीन, ठीक है ना, ये आपको पता ही है टेबल टेनिस खिलाड़ी। इसके बाद में इस बार क्या हुआ, टोटल 4 नए खेल भी जोड़ दिए गए थे, ठीक है ना, टोटल 4 नए खेल जोड़े गए। एक खेल जोड़ा गया जिसका नाम है T20 वुमेन क्रिकेट, ठीक है ना, दूसरा जोड़ा गया था आपका कौन सा, दूसरा जोड़ा गया है बास्केटबॉल, ठीक है ना, बास्केटबॉल जोड़ा गया। तीसरा कौन सा जोड़ा गया है, तीसरा जोड़ा गया है पैरा या व्हीलचेयर बास्केटबॉल कह लो आप लोग, ठीक है ना, व्हीलचेयर बास्केटबॉल या पैरा बास्केटबॉल समझ लो यार, एक ही बात है, पैरा बास्केटबॉल जल्दी समझ जाओगे। अगला है पैरा टेबल टेनिस, ठीक है ना, पैरा टेबल टेनिस, ठीक है ना, टेबल टेनिस, इनको जोड़ा गया था। दुनिया का एकमात्र गेम, ठीक है ना, दुनिया का एकमात्र गेम है ये वाला, ठीक है ना, जो मतलब क्या पागल हो क्या, देखियो TGT इंग्लिश का पेपर भी पंचकुला में होगा क्या, पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, पेपर में क्या लिख के आएगी है, मुंह करोगे टमाटर जैसा, सच बता रहा हूं, पढ़ लो ना, क्या है मतलब, कितना समझाया जाए, तुम अध्यापक बनने वाले हो ना, तुम टीचर बनने वाले हो ना, तुम्हें तो कहने की जरूरत नहीं है, तुम क्लास में ये कहोगे जाके चुप हो जाओ, तुम खुद चुप हुए थे कभी,
क्या यार, मतलब ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, फिलहाल पढ़ने का वक्त है, ये बाद में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान से पढ़ क्यों ना लो। अच्छा सर, इसके बाद में ये जो गेम है ना आपका, और क्या बात करें, हाँ, इन गेम को इंटरनेशनल 2002 में, 2002 के अंदर इनको इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम का टैग दिया गया था, ठीक है ना, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स, ठीक है ना, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम का जो है ना इनको टैग दिया गया था, ठीक है ना, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम का टैग दिया गया था, ये याद कर लेना आप लोग। दुनिया के एकमात्र गेम ऐसे हैं जिनके अंदर पैरा और सामान्य दोनों साथ साथ ही होते हैं, ये वाले, ठीक है ना। चलो सर जी, ये बात होगी हमारे पास में, ठीक है ना। इसका जो आपका ध्येय वाक्य था शेयर द ड्रीम्स, ये भी था, एक एक गेम्स फॉर एवरीवन भी था और एक ध्येय वाक्य ये भी था शेयर द ड्रीम्स भी था। शुभंकर जो है ये कौन सा, अच्छा ये तो दो पिछले वाला था ना, इस बार वाला थोड़ी ना है, 18 वाला है, तो इस बार वाला तो गेम्स फॉर एवरीवन था, लेकिन एक और भी था, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे ना तो एक और भी इनका वो है, मोटो है, दो लाइन का कुछ और भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, कॉमनवेल्थ वाली पे देखना, गेम्स फॉर एवरीवन के अलावा कुछ और भी मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। और इस बार वाले का मास्कोट क्या है, इस बार वाले का मास्कोट था पैरी द बुल, पैरी द बुल, ये 10 साल की लड़की है वहां की जिसका नाम है एमा, उसने डिजाइन किया है ये, ठीक है ना। तो इसको भी बात आपको यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलिए सर, तो ये बात भी आपके पास में हो गई है, ठीक है ना। बाकी तो ये पुराना नहीं याद करना, 2022 का हुआ, बर्मिंगम में 66 पदक जीते हैं, ठीक है ना। हाँ, 2022 के अंदर 66 पदक नहीं जीते, 61 जीते हैं, ठीक है ना, 61 जीते हैं हमने, 61 पदक जीते हैं। तो ये गोल्ड एक बार देखना आप लोग, ये गोल्ड इतने हैं क्या, मुझे गड़बड़ लगा, कुछ मेरे माइंड से स्किप है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सिक्सटी वन, ये तो 61 कन्फर्म है, ये देख लेना गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने थे, ठीक है। भाग लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ी 42 थे भाई साहब, 42, 42 थे, ठीक है ना। और पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो थे ना उनमें से 20 थे, ठीक है ना, 20 थे, ये सब कट जाता है, ठीक है ना। किस चीज की बात की जा रही है ये, अच्छा इसमें नीरज चोपड़ा तो गए नहीं थे, ठीक है ना, ये आंकड़ा सब काट देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा ये तो गेम लिख रहे हैं क्या, गए नहीं क्या, ये तो गेम लिखे हैं कि किस किस से रिलेटेड हैं, ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। विनेश फोगाट, ऐसे पुराने गेमों की बात की जा रही है, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेल की बात के बाद में जो है ना अब बात करते हैं एशियाई खेलों की बात करते हैं डियर, ठीक है ना, एशियाई खेलों की बात करते हैं। 22-16-23 है, 22-16-23 है, ठीक है। आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है ना, आयोजन कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। शुभंकर भिन्न भिन्न आगंतुक वह काका, और इसके अलावा 2022 के अंदर जो है ना वो इवांगजू चाइना के अंदर, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, समापन के अंदर रानी रामपाल, वेरी इंपॉर्टेंट रानी रामपाल का नाम। अच्छा रानी रामपाल कहाँ से है, रानी रामपाल जो है ना ये है सर शाहबाद से, अच्छा शाहबाद से तो हैं लेकिन इन्हीं के नाम पे यूपी के अंदर रायबरेली में, रायबरेली के अंदर जो है ना एक रानी ट्रफ्स बन रहा है आपका, ठीक है ना, रानी ट्रफ्स बन रहा है, आपको ये याद कर लेना, रानी ट्रफ है, ठीक है ना, रानी ट्रफ जो है ना बन रहा है आपका, यानी कि मैदान का नाम है रानी ट्रफ्स बनाया जा रहा है इन्हीं के नाम पे ही, ये ऐसा पहली बार हो रहा है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है डियर, ठीक है ना। और भारत का स्थान इसमें 8वां था, हरियाणा के टोटल 17 पदक में से जो है ना कुल 17 थे, और इनमें से हिस्सेदारी तकरीबन तकरीबन जो रही है आपकी वो रही है 24.63%। इसके बाद में जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके अंदर ये मेडल लाने वाले खिलाड़ी बजरंग विनेश, नीरज, मंजीत और अपरिंदर सिंह और अमित पंघाल थे। इसके बाद में और क्या है जी, एशियाई खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रिकाको इकी, तैराक है, जापान के हैं, 6 गोल्ड अब तक जो है ना वो ले चुके हैं ये। खेलों में प्रथम हरियाणा महिला राज्य में
कौन कौन रही है जी, इनके बारे में बात करते हैं, यहाँ से भी सवाल आपका बनेगा। पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी, ठीक है ना, साइना नेहवाल बैडमिंटन 2016। पद्म श्री अवार्ड लेने वाली गीता जुत्थी, ठीक है ना, सबसे पहली बार जो लिया था वो गीता जुत्थी ने लिया था, ठीक है। इसके बाद में अगली बात याद रखनी है आपको एथलीट्स में 1983 में पद्म श्री अवार्ड पाने वाली पहली महिला ये थी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक आप लोगों को पता ही है, अभी थोड़े दिन पहले ही 2016 की बात है, तब इन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, कांस्य पदक। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला साइना नेहवाल 2010 के अंदर। द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर सुनील डबास 2014 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला गीता जुत्थी एथलीट्स 1976। हॉकी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला प्रीतम ठाकरान सिवाच, सुपर इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है भैया। इनकी अकादमी कहां पे, इनकी अकादमी है सोनीपत के अंदर। इनको भी हाल ही में जो है ना वो बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, बीबीसी अवार्ड से इनको जो है ना सम्मानित किया गया था, तो करके खिलाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुश्ती के अंदर अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला गीतिका जाखड़ 2005। बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कविता चहल 2013, ठीक है ना, 2013। बैडमिंटन के अंदर अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला साइना नेहवाल 2009। जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सुनीता शर्मा 1985। और निशानेबाजी में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला नाम है शिल्पी 1997, ठीक है ना, ये भी याद रखना। इसके बाद में क्या है सर, इसके बाद में जूडो में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला पूनम चोपड़ा 1996। वुशु, ये मिक्स होता है एक टाइप का, जैसे वो बॉक्सिंग वगैरह कर रहे होते हैं समथिंग, कुछ ऐसा स्टाइल इसके अंदर एड ऑन है। वुशु में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला पूजा काद्यान। तेंजिंग नारगे, ये बहादुरी सम्मान है, होता है जैसे कोई या तो पहाड़ की चढ़ाई करता है अर्जुन, या कोई हेलीकॉप्टर वगैरह से छलांग वगैरह लगाता है, उनको मिलता है ये। ये लेने वाली प्रथम महिला ममता सोदा कैथल 2011 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा प्रथम महिला तो ये तो मैंने बता ही दिया, प्रथम महिला कोच कौन बनी थी कुश्ती की, उषा शर्मा सिहाग बनी थी सबसे पहली कोच। उसके बाद में जी आता है, हिसार से है उषा शर्मा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है कि ओलंपिक में खेलने वाली राज्य की प्रथम महिला रेसलर गीता फोगाट, ठीक है ना, डीएसपी के पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। राज्य की प्रथम पैरालंपिक महिला हिना कल्याण यमुनानगर से। पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला दीपा मलिक शॉटपुट, जिनको इलेक्शन डिपार्टमेंट का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी बात आपको यहां से याद कर लेना है, ठीक है ना। ना जी, इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ तो आपको जिनने बैच ले रखा है हरियाणा जीके वाला, या वो योजना वाला ले रखा है, या एनवायरमेंटल साइंस वाला जिन्होंने ले रखा है, उन सभी बैचेस में ये पीडीएफ आ जाएगी। राज्य की प्रथम भीम अवार्डी महिला गीता जुत्थी। कुश्ती खेल में भीम अवार्ड राज्य का प्रथम महिला सुनीता शर्मा। इसके अलावा जो है ना हम बात करते हैं जी यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल व एशियाई दोनों खेलों में स्वर्ण पदक विजेता देश की प्रथम महिला विनेश फोगाट थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शतरंज में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला खिलाड़ी अनुराधा बेनीवाल, जो कि महम रोहतक से है ये, ठीक है ना, महम रोहतक से है ये, याद रखना है आप लोगों को। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के खेल एवं साहसिक खेल पुरस्कार के विजेताओं का मासिक मानदेय बढ़ा के कितना कर दिया, ये भी देखना, इनके पैसे बढ़ा दिए गए, पहले कितने मिलते थे अब कितने मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है आप लोगों के स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, सिर्फ स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। तो बात क्या है कि जैसे अर्जुन अवार्ड जिनको मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है कि अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद में उनको पर मंथ कितना मिलता है, ये मुद्दा है। तो अर्जुन अवार्ड पहले जो मिलने के बाद में आपका कहते हैं पेंशन मिलता था पहले, वो मिलता था 5000, अब उनको 20000 मिलेगा। द्रोणाचार्य अवार्डी को पहले 20 कर दिया, ध्यानचंद वाले को सेम है, तेंजिंग नारगे भी सेम है, भीम अवार्ड को पहले कुछ ऐसा मेंशन था नहीं, पर अब 5000 रुपए दिए जाते हैं, ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो सर, इसके बाद में अगली बात करें अगर हम लोग यहां पे, तो राज्य में फीफा द्वारा अप्रूव्ड प्रथम फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कहां पर किया गया, ये मैंने अभी बताया था ना आपको, वॉर हीरोज मेमोरियल फुटबॉल स्टेडियम अंबाला कैंट, लागत 117 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना इस चीज को आप लोग।
हरियाणा के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कहां पर किया गया? मतलब ऑल वेदर का मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सर्दी है तो पानी वैसा रहे गर्म सा हो जाएगा, गर्मी है तो पानी ठंडा सा हो जाएगा। ऑल वेदर स्विमिंग पूल के पानी का टेम्परेचर साल भर सामान्य ही रहेगा, कहने का मतलब नॉर्मल पानी रहेगा। और ये जो है ना वॉर हीरोज मेमोरियल स्विमिंग पूल ही है, ठीक है ना, वॉर हीरोज ही है ये, ठीक है ना, वॉर हीरोज, ये भी अंबाला के अंदर ही है आपका। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में आयोजित कुल कितने, खेलो इंडिया यूथ गेम भी आप लोगों को मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, अच्छे से याद होगा, खेलों की संख्या टोटल थी 25। शुभंकर इसका क्या था, शुभंकर इसका था धाकड़, ठीक है ना, इसका धाकड़ था, हरियाणा ने टॉप किया था इसके अंदर, ठीक है ना। पांच जगह हुआ था, पंचकुला में हुआ, अंबाला के अंदर हुआ, शाहबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ और चंडीगढ़ में भी हुआ, ठीक है। और 2023 वाला जो हुआ है, मतलब 2023 में हुआ है, नाम तो उसका भी 22 था, ये 22 था ना, हुआ 22 में था, हुआ नाम इसका 21 था, 21 में कोई हुआ नहीं था क्योंकि कोविड की वजह से खाली हो गया था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे वाली हाँ बैच के अंदर पीडीएफ पूरी नहीं डली हुई तो डाल दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का पंचकुला में जो सम्मिलित खेलों की संख्या है ना वो आपकी 5 थी। एक नए जो खेल आपके जोड़े गए इसमें योगासन गतका पंजाब का था, इसके अलावा कल्लारीपट्टू केरल का था, मलखम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और इसके अलावा जो ना मशील आर्ट ये की मणिपुर का था, ये कुछ नए खेल जोड़े गए थे उसमें। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जर्मनी मुक्केबाज में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणवी मुक्केबाज अमित पंगाल मयाना गांव रोहतक के 52 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जर्मनी में सिल्वर पदक विजेता हरियाणवी साक्षी चौधरी धनाना भिवानी की है। धनाना से एक लड़की और भी इंपॉर्टेंट है, याद हो तो आप लोगों को, जिनका नाम है क्या, नीतू घणगस, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नंबर 1 गोल्ड मेडल जीता। एक हिसार के गिराए की स्वीटी बुरा भी है, उन्होंने भी जो है ना जीता है मेडल। राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली खिलाड़ी, ठीक है ना, ये अप्रैल 2022 था, उसके बाद में कोई अपडेट आया नहीं। विजेंद्र सिंह 2009 बॉक्सिंग, सायना नेहवाल 2010 बैडमिंटन, योगेश्वर दत्त 2012 कुश्ती, साक्षी 2016 कुश्ती, सरदारा सिंह 2017 हॉकी से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में बजरंग पूनिया 2019 कुश्ती, दीपा मलिक 2019 पैरा ओलंपिक शॉटपुट, विनेश फोगाट 2020 कुश्ती, रानी रामपाल 2020 हॉकी, नीरज चोपड़ा 21 जैवलिन थ्रो, रवि दहिया 21 कुश्ती। सुपर इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, अच्छे से जो है ना आप लोगों को यहां से याद कर लेना है जी। इसके बाद में क्या जी, मनीष नरवाल का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है शूटिंग से। सुमित आंतिल बहुत ही इंपॉर्टेंट जैवलिन थ्रो, ओलंपिक खेलों में गोल्ड ये 6 करोड़ वगैरह वगैरह मिलते हैं, ऑलरेडी हम लोग इनकी बात कर चुके हैं डियर, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, 8वां पेज हमारे पास में पहुंच चुका है, ठीक है। 8वां पेज हमें क्या कहता है कि हरियाणा की जो है ना कितनी खिलाड़ियों ने भाग लिया था ओलंपिक में, 9 खिलाड़ियों ने लिया था, ठीक है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप हरियाणा महिला खिलाड़ी सुनीता सिसर गांव रोहतक से हैं ये, ठीक है ना। स्वीटी बुरा 81 से है, हाँ मुझसे किसी वीडियो में 85 बताया गया, उसको ठीक कर लेना, बाय मिस्टेक 85 बोला गया कहीं मुझसे, मुझे ध्यान आ रहा है एक वीडियो में, पर 81 है वो, ठीक है। और वो 48 आई थिंक जो नीतू घणगस है ना, 48 है ना, एक बार बताना आप लोग, ठीक है ना। हरियाणा का प्रथम वेलोड्रोम साइकिलिंग खेल स्टेडियम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है, ये बना है। राज्य की महिला क्रिकेटर जो T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर बनी शेफाली वर्मा रोहतक से, और इन्होंने रिसेंटली अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, उसकी कैप्टन भी यही थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी टोक्यो 2021 में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली राज्य व भारत की प्रथम महिला अरुणा दिनोद भिवानी से, भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल तवर जो कि पानीपत से है। इसके अलावा हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम किस खेल की तर्ज पर आयोजित किया गया, ओलंपिक की तर्ज के ऊपर ही हम लोगों ने जो ना आयोजित करवाया गया। हरियाणा को किस महिला शूटर को इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, गोरी शोराण को, ये अभी आई थी ना आपकी गागड़वास की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 35वें बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर मनीष कौशिक, जो कि मनीष कौशिक और विकास यादव दोनों ही स्पेन के अंदर हुए थे, ठीक है ना, स्पेन के जो कास्टेलॉन शहर के अंदर। हरियाणा का दूसरा प्रोफेशनल बॉक्सर खिलाड़ी मनदीप जांगड़ा हिसार से, हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह कहलाते हैं।
अच्छा, हरियाणा के किस तीरंदाज का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ? संगीता और दिव्या का, जो कि हिसार से। दिल्ली एनसीआर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन गुरुग्राम में। राज्य के किस रेसलर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता? सरिता मोर ने। और 53 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर वन महिला रेसलर विनेश फोगाट है वर्तमान में भी। फिक्की ने राज्य के किस खिलाड़ी को अप्रैल 2021 के अंदर बेस्ट अवार्ड दिया? और ये बेस्ट अवार्ड दिया है किसके लिए? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए ये दिया है बजरंग पूनिया को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आई थिंक पूछा गया था वुमेन वाला। ये चलो मैन का बजरंग पूनिया है, वुमेन मैं बता देता हूँ आपको कौन है, रानी रामपाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। ये पूछा जा चुका है आपका, ठीक है ना, एग्जाम में ऑलरेडी सवाल। इसके अलावा आप लोगों के लिए सवाल क्या है कि महिला बिग बैश लीग में भाग लेने वाली प्रथम हरियाणवी महिला खिलाड़ी क्रिकेटर शेफाली वर्मा, जो कि रोहतक से है एक्चुअली। इसके बाद में है कि हैपकिडो, ताइक्वांडो, जूडो और वुशु, इनका मिक्सअप होता है। इसमें नेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणवी खिलाड़ी है कीर्ति, जो कि पानीपत से। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है अंशु मलिक, ये जींद जिले की रहने वाली है डियर, ठीक है ना, तो ये भी बात आपको यहां से याद करना है। इसके बाद में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक सरिता मोर ने जीता था, अभी पढ़ाया मैंने। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था अजय सिंह चौटाला को। इसके अलावा जो है ना, हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। अगर किसी स्पोर्ट्स को खेलते समय चोट लग जाए उनके लिए सेंटर पहली बार सेटअप किया जा रहा है आपका। अंडर 23 जो आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला जो है ना, उनका नाम राधिका, ये 62 किलोग्राम भार वर्ग से, इसराना गाँव पानीपत से है। इसराना गांव को हरियाणा का पहला गांव को शहर के रूप में, मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये भी इसका हरियाणा जीके का है सवाल, तो ये भी बात आपको यहां से याद रखना है। राज्य की किस महिला खिलाड़ी को फोर्ब्स इंडिया की वुमेन पावर 2021 की लिस्ट में शामिल किया गया? रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है। राज्य सरकार ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की, खेल नर्सरी योजना जिसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है, ध्यान रखना। हरियाणा की पहली आवासीय हॉकी अकादमी हाबड़ी गांव कैथल, ये भी इंपॉर्टेंट। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान संदीप सिंह, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कर्नल अशोक मोर, हरियाणा एथलीट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और हरियाणा राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह है, जो कि गुरुग्राम से एक्चुअली सांसद भी हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस के पहले थे दुष्यंत चौटाला, अब चेंज हो गए शायद, इनकी पत्नी बनी है, उनका नाम क्या है याद है किसी को, मैं नाम भूल गया, लड़कियों के नाम याद नहीं होते। खैर, हरियाणा एमेच्योर वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल विजी है, तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष है कैप्टन अभिमन्यु, शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश खन्ना, याद है तो किसी को बताना वो, ठीक है। अच्छा, हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष करण चौटाला, हरियाणा तलवारबाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष एन के सोलंकी, कल के करंट अफेयर में बनाऊंगा, मैंने वो क्वेश्चन अभी तक बनाया नहीं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। नैना चौटाला, ये माता का नाम नहीं है क्या? नैना चौटाला तो मम्मी है शायद यार, उनकी पत्नी को माँ क्यों बना दिया। मेघना चौटाला है, हाँ मेघना चौटाला है, मेघना है, ठीक ठीक ठीक। आज करंट अफेयर बनाऊंगा ये, मैं हरियाणा का डेली वेल मैंने बनाया नहीं, इस क्वेश्चन को याद मेरे को था ये कि मैं बनाऊंगा और भूल गया मैं, ठीक है ना। भारतीय अंडर 19 फुटबॉल महिला टीम की गोलकीपर अंशिका मलिक जींद, नितेश कुमार का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से। एशिया के टाइगर के नाम से फेमस कौन खिलाड़ी है, बास्केटबॉल खिलाड़ी, जिनका निधन हुआ? ओम प्रकाश धुल, 21 ग्राम जींद से। इसके अलावा हरियाणा की महिला खिलाड़ियों जिनकी सालाना वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उनको शादी के शगुन के तहत जो ना 31,000 रुपये दिए जाते हैं डियर, ठीक है ना, ये भी याद कर लेना डियर, ठीक है ना। और राज्य के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सुपर 100 ओडिशा ओपन टूर्नामेंट जीता? उन्नती हुड्डा ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, चमारिया गांव रोहतक की है। और हरियाणा के किस खिलाड़ी को लॉरेंस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? नीरज चोपड़ा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भाग लेने वाले क्रिकेटर की संख्या 4, दिनेश निशांत सिंधु, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत गए थे ना हम लोग, तो हरियाणा से निशांत सिंधु, रोहतक से दिनेश बाना, इन्होंने जिताया था एक्चुअली हिसार, गौरव सांगवान भिवानी, यश ढुल कप्तान, जो कि रोहतक से संबंधित है, अभी तो रहते तो नहीं है यहाँ पे लेकिन हाँ
ये इंपॉर्टेंट, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जो है ना वो जीता, और ये सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली भारतीय महिला पैरा आर्चर पूजा गुरुग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला पैरा आर्चर, अब भी तक भारत में किसी ने नहीं जीता, भारत में भी किसी ने नहीं जीता, इस करके इंपॉर्टेंट है पूजा। हरियाणा कोच एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, अनिल कुमार आर्य को, जो कि पूर्व हॉकी प्लेयर हैं। 35वां फेडरेशन कप वॉलीबॉल के विजेता रहे हैं, उप विजेता सर्विसेस रहे, और इसके अलावा जो ना भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर इसका हुआ था, हरियाणा इसका जो ना विजेता रहा। राज्य की प्रसिद्ध खिलाड़ी नैन्सी मोर का रिलेशन किससे, लॉन टेनिस से है, और ये जो जिनका जन्म हुआ है गन्नौर सोनीपत के अंदर, एक गाँव है जिनका नाम है लडसोली गाँव। और हरियाणा राज्य का खिलाड़ी जूनियर डेविस कप टूर्नामेंट, डेविस कप कौन से गेम से संबंधित है बता सकते हो आप लोग, वंश नांदल है जो कि रोहतक से, और 11 से 16 अप्रैल 2022 तक न्यू दिल्ली में हुई थी ये। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया, ये बनाया गया था सरदारा सिंह सिरसा को, जो सिरसा से संबंधित है, ठीक है ना। और हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को अभी हाल ही में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो क्या है सर जी, जैसे कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर एवं बेस्ट ट्रैक एंड फील्ड अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिला ये, बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड सुमित आंतिल को, व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रवि दहिया को, टीम इवेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सविता पुनिया को, ये चार अवार्ड मिले थे, चारों के चारों ही सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। टेनिस, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, चार को, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, रवि दहिया कुश्ती, मनीष नरवाल शूटिंग, सुमित आंतिल जैवलिन थ्रो, चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राज्य में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, पहलवान सज्जन सिंह जो कि हिसार के हैं। कितने कोच को ये अवार्ड 2021 से जो है ना वो सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया तीन को, एक है असन कुमार भिवानी, प्रीतम सिवाच सुपर इंपॉर्टेंट है सोनीपत अभी बताया था, और सरकार तलवाड़ जो कि फरीदाबाद के हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, 9 को, सुरेंद्र पाल्लड जो कि हॉकी के, सुमित जो कि हॉकी के हैं, ठीक है ना, इनमें से मेन। इसके अलावा बाकी हैं ये रहे, मोनिका मलिक हॉकी की, दीपक पूनिया कुश्ती, संदीप नरवाल कबड्डी सोनीपत, अभिषेक शूटिंग, और हरविंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शूटिंग से हैं, कैथल पूछ लिया गया शायद एक पेपर में, योगेश कथूरिया ये हैं पैरा आर्चरी झज्जर से, सिंगराज अधाना जो कि पैरा शूटिंग फरीदाबाद से, ठीक है ना। बजरंग पूनिया वगैरह तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई दिए हैं आप लोगों को, ठीक है ना, उत्ता मतलब ये तीनों ने ओलंपिक में जीत के आए थे ना, नीरज रवि और बजरंग, ठीक है ना। चलो सर जी, ये बात हमारे पास में जो है ना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो सोनीपत का राई खेल कूद मैदान है ना, उसके VC तो मैंने आपको बता दिया कौन है, SS दसवाल देसवाल, लेकिन कुलपति कौन है उसके, मतलब जैसे राज्यपाल होते हैं नॉर्मली तो, लेकिन उसके कपिल देव है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। चांसलर तो कपिल देव है, वाइस चांसलर जो है ना SS देसवाल है, दोनों याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये 72 मिनट की क्लास टोटल हुई है आपके लिए, अच्छे से देख लेना, शिद्दत से पढ़ लेना आप लोग, फास्ट फॉरवर्ड सब चीज़ें आपको रिवाइज करवा दी, दो बार तीन बार चार बार देख लेना। बैच में जो बच्चे हैं उनका इसका PDF भी रिसीव अभी थोड़ी देर के बाद ही रात को मैं अपडेट कर दूंगा, जिन्होंने योजना ले रखी है, चाहे EVS ले रखा है, चाहे हरियाणा जीके ले रखा है, सबको मिल जाएगा ये वाला क्लास, ठीक है ना। शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग, मिलता हूँ आप लोगों को मैं ऐसी ही बेहतरीन क्लास के साथ में, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट डेटा लेके आपके आगे हाजिर होऊंगा। कल परसों के क्लास में भी और इंपॉर्टेंट डेटा देने वाला हूं मैं डियर, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी करवा दो सर, करवाएंगे भैया, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना आप लोग, इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा मेरा, ठीक है ना।